हेलो एवरीवन, की हाल है जी सारिआं दा। ते अज मैं गल कर लगा आ पेपरां बारे पुर्तगाल दे। ते पुर्तगाल दे विच पेपरां दे की हालात ने, कई लोकां दे कमेंट आ रहे सी मैनू कि पेपरां दे की हालात चल रहे आ पुर्तगाल च। ते ओह मैं तुहानू दसदा कि पेपरां दा इस टाइम काफ़ी स्लो प्रोसैस चल रहा आ। तकरीबन मैं एक दो दिन पहला खबर पढ़ रहा कि तकरीबन 3 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग सैफ दे विच, इत्थे दी एजेंसी दे विच 3 लाख एक साल दी उन्होंने एप्लीकेशन आ रही है अपना रेजिडेंसी कार्ड वास्ते। तो तकरीबन वो 1.5 लाख ही अपरूव कर रहे हैं, यानी कि प्रोसैस हो रही है। 1.5 लाख अगले साल ते जा रही है, जाने के प्रोसैस बहुत स्लो चल रहा है सैफ का। तकरीबन हूँ तुम मान के चलो कि तकरीबन 2 तो 2.5 साल इतने आने तो बाद 2 तो 2.5 साल तकरीबन लग जाते हैं पक्का होने के। सो मेरा वीर भैन भरा जिन्हें भी आना है वो तकरीबन ये मान के चले कि 2 तो 3 साल लगने हैं इतने अपना TR कार्ड लैन वास्ते, अपना इतने पेपर बनाने वास्ते घट्टो घट 2 साल तो लगन गए। तो पहला हुंदा सी पे साल दे विच पेपर बन जांदे सी, पर हुण इहो जिहा सिस्टम नहीं है। हुण तकरीबन 2 साल तो तकरीबन हर एक दे लगदे ही है, क्योंकि प्रोसैस बहुत हौली चल रहा है। जिन्हां जे प्रोसैस तो यह है पे कई तरीका नहीं मिल रही, साल साल बाद ही तरीक मिल रही है, डेट मिल रही है जिहड़ा उन्होंने दफ्तर विच पेपर लैके जाने हैं। तो इस करके मेरा वीर भरा जिहड़ा भी ये पुर्तगाल नूं आना चाहुंदा है वो ये ध्यान च रखे कि तो पेपर इन्नी छेती नहीं बनने, तकरीबन 2 तो 3 साल लग ही जाने हैं। तो ये इनफॉर्मेशन सी पेपर बारे, ये अपडेट सी वे तकरीबन 3 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग पईयां हजे उन्हां कोल, तकरीबन हरेक साल आ रही आ। तो 1.5 लाख ही प्रोसैस कर पा रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा पै चुका है। सो ये इनफॉर्मेशन सी। ओके जी, थैंक यू।